हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर का बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2019 का पेपर लेकर आ गया हूँ। हिस्ट्री का हिस्ट्री फर्स्ट पेपर है जो आपको मैं क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भाग के समस्त प्रश्नों का उत्तर देना, आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। 10 प्रश्न है जो 20 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि की कोई दो शर्तें बताइए। सेकंड है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। फाइव क्वेश्चन है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सिक्स क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन कब रद्द किया गया। सेवन क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। एट क्वेश्चन है, पंचशील से क्या तात्पर्य है। नाइन्थ क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। टेंथ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। अब दो नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 अंक में देवे। एक चार नंबर का है, आपको 5 प्रश्न करने हैं। ये 10 प्रश्न है, इसमें से 5 करने हैं आपको दूसरे क्वेश्चन में। पहला है, स्वराज्य दल की स्थापना कब और किसके मध्य की गई। सेकेंड क्वेश्चन है, गृह शासन आंदोलन क्या था। थर्ड नंबर है, गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। फोर्थ है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट क्या थी। फाइव है, युवा बंगाल आंदोलन क्या था। सिक्स है, रियतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सेवन्थ है, भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। एट है, लखनऊ समझौता क्या है। नाइन्थ है, स्वदेशी आंदोलन क्या है। टेंथ है, असहयोग आंदोलन का महत्व बताइए। अब आ जाता है तीन नंबर क्वेश्चन है, निबंधात्मक है। आपको 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 करने हैं। एक है 20 नंबर का, 360 नंबर के होंगे। आ जाता है तीन नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों इसके परिणाम की व्याख्या कीजिए। चार नंबर क्वेश्चन है, बक्सर ने पलासी के कार्य को पूरा किया, व्याख्या कीजिए। पाँच नंबर है, धन निकासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भारत के परिणामों का उल्लेख कीजिए। छः नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण महत्व है, परिणामों की विवेचना कीजिए। सात नंबर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की सामान्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। आठ नंबर क्वेश्चन है, अवध का विलय जिन परिस्थितियों में हुआ उनका समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों, आगे वाली एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको निबंधात्मक सब याद करके जाना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।